हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। तो बच्चों, मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर प्रज्वल सिंह, और आज हम बच्चों देखेंगे आपका क्रिस्टली ठोस के प्रकार। बच्चों क्या देखेंगे? क्रिस्टली ठोस के प्रकार, जिसमें आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस, धात्विक ठोस और आण्विक ठोस। तो सबसे पहले बच्चों आपका देखते हैं आयनिक ठोस। क्या बच्चों आपका? आयनिक ठोस। तो आयनिक ठोस क्या होता है बच्चों? आयनिक सॉलिड। तो आयनिक ठोस क्या होता है बच्चों? आयनिक सबसे ही क्लियर है बच्चों, आयन। तो ऐसे ठोस जिसके अवयवीकरण क्या हो बच्चों? आयन हो। तो पहली पॉइंट निकल के आया आयनिक ठोस। वे ठोस, वे ठोस जिसके अवयवीकरण क्या होता है बच्चों? आयन होते हैं। वे ठोस जिसके अवयवीकरण क्या होते हैं बच्चों? आयन होते हैं। अच्छा ये बताइए बच्चों, अगर आपका आयन होगा, अगर आयन आपके जुड़े हुए हैं, मतलब एक क्या होगा बच्चों? धनायन होगा और एक क्या होगा? ऋणायन होगा। तभी तो एक दूसरे से जुड़े होंगे, तभी तो एक दूसरे से क्या होंगे? जुड़े होंगे। और बच्चों एक प्लस है और क्या आपका माइनस है, और प्लस और माइनस के बीच अगर कोई बल लगे बच्चों, वो कौन सा बल होगा आपका? आकर्षण बल होगा। क्यों क्या होगा बच्चों? आकर्षण बल। और इसी बल को बच्चों क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजी बल, या तो बच्चों आप इसे क्या कह लीजिए? वैद्युत संयोजी बंध। तो मतलब आपका क्या बच्चों? आकर्षण बल होगा। और आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं बच्चों? ये आपका वैद्युत संयोजी बंध के कारण होता है। अगर धनायन है और आपका अगर अगर आपका धनायन है बच्चों और आपका ऋणायन है, तो उसके भी जो बल लगेगा हमेशा कौन सा बल लगेगा? आकर्षण लगेगा। अगर प्लस प्लस है बच्चों तो रिपल्सन होगा। अगर यही आपका प्लस प्लस होता तो क्या होता? रिपल्सन होता बच्चों। यही आपका यदि माइनस माइनस होता तो भी क्या होता बच्चों? रिपल्सन होता। तो यहाँ पर क्या बच्चों? प्रतिकर्षण है। यहाँ पर क्या बच्चों आपका? प्रतिकर्षण है। लेकिन यहाँ पर क्या बच्चों बताइए? प्लस माइनस है। तो क्या होगा? आकर्षण होगा। और प्लस और माइनस के बीच कौन सा बंध पाया जाता है बच्चों? वैद्युत संयोजी बंध पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी गलित अवस्था में जनरेट करते हैं। तो दूसरी पॉइंट बच्चों क्या हो सकती है? जिनके अवयवीकरण आयन होते हैं। और दूसरा पॉइंट बच्चों, दूसरा पॉइंट जिसके अवयवीकरणों के बीच, जिसके अवयवीकरणों के बीच वैद्युत आकर्षण बल क्या था बच्चों? वैद्युत आकर्षण बल होता है। तीसरा पॉइंट बच्चों, थर्ड पॉइंट आपका, थर्ड पॉइंट बच्चों आपका, थर्ड पॉइंट क्या होगा? अगर आकर्षण बल है बच्चों जिसके अवयवी कणों के बीच, जिसके अवयवी कणों के बीच वैद्युत संयोजी बंध, मतलब बच्चों आयनिक बंध, आयन है बच्चों, तो कौन सा बंध आपका? आयनिक बंध होता है।
क्या था बच्चों, आयनिक बंध होता है। और बच्चों आपकी जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं, जो बच्चों आपके आयनिक सॉलिड होते हैं, जैसे बच्चों आपने देखा होगा NaCl, तो NaCl बच्चों क्या होता है, कठोर होता है। क्या था बच्चों, कठोर होता है। NaCl बच्चों क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। भंगुर का क्या मतलब है बच्चों, अगर आप इसको किसी भी वजनदार हथौड़े से पीटेंगे तो ये क्या छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होगा, टूट जाएगा। तो ये क्या होते हैं बच्चों, कठोर होते हैं। ये क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। तो थर्ड पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, फोर्थ पॉइंट आपका आयनिक ठोस, कठोर तथा भंगुर होते हैं। और फिफ्थ पॉइंट बच्चों, जैसे हमने बच्चों आपका एक ग्लास लिया और ग्लास में क्या भरा बच्चों, आपका पानी भरा हुआ है और इसमें हमने NaCl डाला। क्या डाल दिया आपका, NaCl। तो बच्चों आपने पहले पढ़ रखा है कि जब आप जल में NaCl घोलते हैं तो NaCl क्या होता है, अपने आयनों के रूप में क्या बच्चों, टूट जाता है। और स्टार्टिंग में बच्चों जब हमारे घर ब्लैक एंड वाइट टीवी थी तो हम क्या क्या किया करते थे कि जब लाइट कमज़ोर हो जाया करती थी तो हमने जो पहले से अर्थिंग बनाते थे बच्चों, उसमें हम क्या डालते थे, नमक पानी डालते थे। क्यों डालते थे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाए बच्चों, थोड़ा बढ़ जाए, इसीलिए डालते थे। क्योंकि जब हमने डाला नमक का पानी, उसमें डालते थे ब्राइन डालते थे, तो क्या होता था बच्चों, वे आयन इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते थे, बढ़ा देते थे। मतलब क्या निकला बच्चों, आयनिक ठोस गलित अवस्था में अपने आयनों के रूप में बच्चों क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अगर कोई आयनिक ठोस होगा तो गलित अवस्था में बच्चों क्या होगा, अपने आयनों के रूप में टूट जाएगा। और आयनों के रूप में टूट गया बच्चों, अगर आयन मिल गए तो आपके क्या होंगे, सुचालक हो गए। कब बच्चों, गलित अवस्था में, गलित अवस्था में। और यही बच्चों यदि आपका ठोस अवस्था हो, क्या बच्चों, ठोस अवस्था हो तो क्या होंगे बच्चों, आपके कुचालक रहेंगे। क्यों, क्योंकि आयन इनके बच्चों क्या रहेंगे, फ्री नहीं रहेंगे। तो ये समझ में आई कि आयनिक ठोस ठोस अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, और गलित अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। तो अगली पॉइंट बच्चों, आयनिक ठोस, आयनिक ठोस ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में विद्युत व ऊष्मा के ऊष्मा के कुचालक होते हैं, लेकिन लेकिन गलित अवस्था में, लेकिन गलित अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। तो ये पॉइंट रही बच्चों आपके आयनिक ठोस की। क्या प्रॉपर्टी है बच्चों आयनिक ठोस की, ये है। तो जिसके अभिविकर क्या होते हैं बच्चों, आयन होते हैं। आयन है बच्चों कौन कौन से होंगे, आयन बच्चों क्या होंगे आपके, धन आयन व ऋण आयन, धन आयन व ऋण आयन होंगे बच्चों। और बच्चों दूसरा क्या हमने बताया आपको, जिसके अवयवी कणों के बीच वैद्युत आकर्षण बल लगता है। क्यों बच्चों, क्योंकि आपके एक धनायन होता है और क्या होता है बच्चों, ऋणायन होता है।
तीसरा पॉइंट बच्चों ने क्या बताया, जिसके अव्ययी कणों के बीच वैद्युत संयोजी बंध बनता है, अगर बच्चों प्लस और माइनस है तो इसे हम क्या कहेंगे, आयनिक बंध कहेंगे। और आयनिक बंध का ही एक नाम क्या है बच्चों, वैद्युत संयोजी बंध है। क्या नाम बच्चों आपको, वैद्युत संयोजी बंध है। और अगला क्या है बच्चों, आयनिक ठोस कठोर होते हैं, भंगुर होते हैं, कुछ को छोड़कर बच्चों, ऐसा नहीं सब है, कुछ को छोड़कर। और आयनिक ठोस बच्चों गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होंगे, लेकिन ठोस अवस्था में क्या होंगे आपके, कुचालक होंगे। जैसे NaCl, जैसे KCl, जैसे MgCl2, जैसे CsCl2 etc। ये बच्चों क्या है आपका, आयनिक ठोस है। तो ठीक है बच्चों, हाँ सर थोड़ा पॉज करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आपका देखेंगे कि कोवैलेंट सॉलिड सहसंयोजी ठोस बच्चों क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों हम बताते हैं आपका सहसंयोजी बंध क्या होता है बच्चों, क्या बच्चों सहसंयोजी बंध। कोवैलेंट बॉन्ड, तो आपने बच्चों जानते हैं प्रीवियस क्लास में पढ़ रखे होंगे कि बच्चों बंध आपके तीन प्रकार के, आयनिक, कोवैलेंट और बच्चों कोऑर्डिनेट। तो बच्चों आपको जो सहसंयोजी बंध होता है आपको पता है वो किससे बनता है, साझेदारी से। किससे बच्चों, इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से आपको क्या बनता है, सहसंयोजी बंध बनता है। और बच्चों जो सहसंयोजी बंध बनता है वो या तो समान परमाणु होंगे बच्चों, या बच्चों समान परमाणु होंगे, या तो बच्चों उनके बीच विद्युत ऋणात्मकता का जो अंतर होगा वो बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। और समान परमाणु में बच्चों जैसे आपके क्या अधातु, आपके मेनली अधातु में बच्चों आपके सहसंयोजी बंध बनाते हैं। तो क्या हम लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, वह बंध जिसका निर्माण, वह बंध जिसका निर्माण इलेक्ट्रॉनों के वह बंध जिसका इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से होता है उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। क्या बच्चों, सहसंयोजी बंध करते हैं किनको, जिसका निर्माण इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से हो। तो बच्चों जैसे H2 बच्चों, एक हाइड्रोजन ये हो गया आपका और एक हाइड्रोजन ये हो गया। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों, एक होता है। तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कोश में है और एक इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कोष में है। अगर बच्चों इन दोनों ने क्या किया, शेयरिंग किया, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन दोनों के पास हो गए बच्चों, दो इलेक्ट्रॉन इसके पास, जब जरूरत पड़ेगी तो ये यूज करेगा और जब जरूरत पड़ेगी तो ये यूज करेगा। और ये इन दोनों को मिला दे बच्चों तो आपका एच एकल बंध एच बन गया। तो ये क्या है बच्चों, आपका सहसंयोजी बंध है।
और बच्चों सहसहयोजी बंध आपके तीन प्रकार के होते हैं। सहसहयोजी बंध तीन प्रकार के होते हैं। एक बच्चों एकल होता है, एक क्या होता है डबल होता है, और एक बच्चों क्या होता है आपका त्रिबल होता है। अगर किन्हीं दो परमाणु एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करे तो एकल सहसहयोजी बंध, और यही बच्चों कोई दो परमाणु चार इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लें तो डबल सहसहयोजी बंध, और यही आपके छह इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करें तो त्रिबल सहसहयोजी बंध होगा। तो ठीक है बच्चों, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ले सकते हैं। फिर सहसहयोजी ठोस होता क्या है, सहसहयोजी ठोस, तो ये बच्चों वे ठोस जिसके अवयवीकरण क्या आते हैं बच्चों परमाणु, और कैसे परमाणु बच्चों अधातु होते हैं। इनके अवयवीकरण बच्चों क्या आते हैं अधातु होते हैं। दूसरी पॉइंट, अगर बच्चों अधातु होगा तो इनके बीच कौन सा बंध बनेगा, सहसहयोजी बंध बनेगा। तो दूसरी पॉइंट बच्चों, सहसहयोजी ठोस के अवयवीकरणों के बीच होना दरकार सर, सहसहयोजी ठोस के अवयवी कणों के बीच सहसहयोजी ठोस के अवयवी कणों के बीच सहसहयोजी बंध बनता है। कौन सा बंध बच्चा बनता है, सहसहयोजी बंध बनता है। और थर्ड पॉइंट बच्चों, अगर आपका ये सहसहयोजी बंध बनेगा बच्चों, जैसे आपका हीरा है, जैसे बच्चों आपका क्या है ग्रेफाइट है, तो इनके बीच कौन सा बंध है बच्चों, सहसहयोजी बंध पाया जाता है। आप ध्यान दीजिए बच्चों, अगर हम हीरे को या बच्चों ग्रेफाइट को अगर ले तो हीरा क्या होता है बच्चों कुचालक होता है, और ग्रेफाइट क्या होता है बच्चों सुचालक होता है। क्यों, क्योंकि ग्रेफाइट मेनली बच्चों एक कार्बन तीन बंध बनाता है, जिसके कारण कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों फ्री होता है, और एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण क्या होता है बच्चों वो सुचालक होता है। तो अगला क्या है बच्चों आपका, सहसहयोजी ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट का तो बच्चों आपका विद्युत का सुचालक होता है। क्यों, क्योंकि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन
मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। और बच्चों यदि इनके गलनांक की बात करेंगे तो जो आपके सहसेजी ठोस होते हैं बच्चों, इनके गलनांक आयनिक ठोसों से क्या होते हैं, कम होते हैं। क्यों? क्योंकि जो आयनिक बंध होता है वह सबसे ज़्यादा प्रबल होता है, और आपका जो ये होता है बच्चों सहसेजी बंध, कोवेलेंट बांड, ये आयनिक बंध से बच्चों क्या होता है, कमजोर होता है। इसलिए सहसेजी ठोस के सह संयोजी ठोस के गलनांक आयनिक ठोसों से आयनिक ठोसों से कम होते हैं। तो ये बच्चों आपको क्या रहा, आयनिक ठोस रहा, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, हीरा ग्रेफाइट, Cl2 किस अवस्था में बच्चों, ठोस अवस्था में आदि। तो ये क्या है बच्चों, आपकी आयनिक ठोस से कोवेलेंट सॉलिड है। ठीक है बच्चों, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। इसके आगे हम आपका चलते हैं धात्विक ठोस। तो ठीक है, धात्विक ठोस मेटालिक सॉलिड, क्या चो धात्विक ठोस मतलब आपका मेटालिक सॉलिड। अब मेटालिक सॉलिड क्या होता है बच्चों, आपको पता है जैसे आयरन, जैसे लोहा, अगर आप उसे विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे, जैसे बच्चों हमने आपका एक लिया आयरन, Fe का कोई क्या ठोस है बच्चों, अगर लोहे में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या बच्चों प्रवाहित होगी, हाँ प्रवाहित होगी, हाँ क्यों होगी, क्योंकि आपको पता है बच्चों जो आपके धात्विक ठोस होते हैं उसके अवयवीकरण क्या होते हैं, आयन होते हैं। कैसे आयन, धातु आयन, वह मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। वह क्या होते हैं बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो आपके आयनिक ठोस होगा उसके अवयवीकरण धातु आयन होंगे, और क्या बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। और बच्चों आपको पता है अगर आपके धातु आयन होंगे तो धातुओं के बीच एक बंध पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, धात्विक बंध कहते हैं। मतलब ये बात निकल के आई कि इनके बीच कौन सा बंध पाया जाएगा, आपका धात्विक बंध पाया जाएगा। और अगली बात बच्चों, क्या यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है, हाँ अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो विद्युत के क्या होंगे, सुचालक होंगे। मतलब दूसरी बात, ये विद्युत के सुचालक होंगे, क्या है बच्चों, विद्युत के सुचालक होंगे। तो इतनी बातें आई और इसे हम लिख लेते हैं। तो पहला क्या है बच्चों, धात्विक ठोस वे ठोस
जिसके वेट हो जिसके अव्यवीकरण क्या थे बच्चों? धातु आयन हुआ मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगली पॉइंट बच्चों क्या आपकी, इनके बीच कौन सा बंध पाया जाता है? धात्विक बंध पाया जाता है, मतलब बच्चों धात्विक ठोस के बीच धात्विक बंध धात्विक ठोस के बीच कौन सा बंध पाया जाता है बच्चों? धात्विक बंध पाया जाता है। और अगला क्या बच्चों, ये विद्युतीय क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। धात्विक ठोस विद्युत धारा के या विद्युत के विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या है बच्चों? विद्युत के सुचालक होते हैं। और अगला पॉइंट बच्चों, अच्छा ये बताइए, जैसे आपका लोहा है, जब लोहा को आप लोहार के पास ले जाते हैं और वह किसी वजनदार हथौड़े से उसे पीटता है, तो क्या लोहे का जो एरिया होता है, जैसे बच्चों इतना बड़ा सा लोहा है, अगर इसको हम पीटेंगे तो क्या इसके एरिया में क्या बच्चों वृद्धि होगी? हाँ। क्या इसको हम चादरों के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं? हाँ। अगर इसको हम चादरों के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, इसके एरिया को पीट कर बढ़ा सकते हैं, तो ये गुण क्या होता है? आघात वर्धनी होता है। क्या होता है? आघात वर्धनी होता है। और बच्चों अगली बात, क्या आपने लोहे के तार देखे हैं? हाँ। जैसे आपने छप्पर देखा हो बच्चों, छप्पर है बच्चों, छप्पर को जिससे बांधा जाता है बच्चों, जो आपकी छप्पर बनाई जाती थी पहले, उसको हम बांधने के लोहे के तार पत्ते होते तार होते थे, उसको उसी से बांधा करते थे बच्चों। तो मतलब इसके क्या बनाए जा सकते हैं? तार बनाए जा सकते हैं। ये आघात वर्धनी होते हैं और इसके तार बना रहे हैं, मतलब ये क्या बच्चों आपके तन्य भी हैं, मतलब इसको हम खींच कर तारों के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो अगली पॉइंट बच्चों क्या निकल के आई आपकी, तो फोर्थ पॉइंट निकल के आई बच्चों, धात्विक ठोस आघात वर्धनीय आघातवर्धनी वह तन्य होते हैं। आघातवर्धनी और क्या होते हैं बच्चों? तन्य होते हैं। उदाहरण बच्चों बताइए, जैसे लोहा, जैसे बच्चों चांदी, जैसे बच्चों सोना, जैसे बच्चों कापर आदि, ये सब बच्चों क्या है आपके? धात्विक ठोस है। क्या इतनी बातें बच्चों आपको समझ में आई? अगर आपको बच्चों ये चीज़ें समझ में आई हैं तो आप इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ठीक है बच्चों, अब हम आपका लास्ट पॉइंट जो बच्चों क्या आपका आण्विक ठोस है, उसको बात करेंगे बच्चों। आण्विक ठोस क्या बच्चों आपका? आण्विक ठोस
मॉलिकुलर सॉलिड, क्या बच्चों? मॉलिकुलर सॉलिड। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों आणविक ठोस के अवयवीकरण क्या होते हैं, यहां आप लिख लेते हैं बच्चों, हम आणविक ठोस के अवयवीकरण क्या लिखा बच्चों, आणविक लिखा है मतलब अणु, अवयवीकरण क्या होते हैं बच्चों, अणु होते हैं। ये तो फर्स्ट पॉइंट रहा बच्चों आपका, और यही पता है बच्चों कि अणु बच्चों आपके तीन प्रकार के बताए गए थे, एक क्या होते हैं बच्चों अध्रुवी होते हैं। अगर बच्चों आपके अणु अध्रुवी हो गए तो उस ठोस को हम क्या कहेंगे, अध्रुवी आणविक ठोस कहेंगे बच्चों, क्या कहेंगे, अध्रुवी आणविक ठोस, अध्रुवी आणविक ठोस कहेंगे बच्चों। अगर यही आपके अवयवीकरण क्या हो जाए, ध्रुवी हो जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चों आपका, ध्रुवी आणविक ठोस कहेंगे, क्या कहेंगे आपका, ध्रुवी आणविक ठोस। अगर यही आपके अवयवीकरण बच्चों क्या हो जाए, हाइड्रोजन बंधित हो, यही बच्चों आपके अणु क्या हो, हाइड्रोजन बंधित हो, तो इसको हम क्या कहें बच्चों, हाइड्रोजन बंधित कहेंगे, हाइड्रोजन बंधित ठोस कहेंगे, हाइड्रोजन बंधित ठोस कहेंगे। क्या कहें बच्चों, हाइड्रोजन बंधित ठोस है कहेंगे, मतलब एक बात निकल के आई कि आपका आणविक ठोस तीन प्रकार के, एक अध्रुवी, एक ध्रुवी और एक क्या बच्चों, हाइड्रोजन बंधित ठोस होगा। तो आइए अलग अलग पॉइंट की हम चर्चा कर लेते हैं। तो क्या बच्चों, पहला अध्रुवी आणविक ठोस, अध्रुवी आणविक ठोस नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, क्या बच्चों, नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। ठीक है बच्चों, अब हम आपका देखेंगे अध्रुवी आणविक ठोस। तो आ जाइए, तो अध्रुवी से क्या मतलब है बच्चों, अध्रुवी से मतलब है कि आपके जो अणु होंगे वे क्या होंगे बच्चों, अध्रुवी होंगे, नॉन पोलर होंगे। जैसे बच्चों हमने लिखा आई टू, क्या लिखा बच्चों, आई टू। अब आई टू में के दो एटम है, दो आई है बच्चों, और दोनों का जो डाइपोल मोमेंट होगा म्यू कितना होगा बच्चों, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि दो आई, दोनों आयोडीन की जो विद्युत ऋणात्मकता होगी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी, क्या होगी बच्चों, समान होगी, और यदि समान होगी तो म्यू क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। केवल इतना आप जानिए कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बराबर है, इसलिए क्या होंगे, ये अध्रुवी होंगे। जैसे हमने लिखा आपका Cl2, तो ये ध्रुवी होगा कि अध्रुवी, अध्रुवी होगा। क्यों, क्योंकि ये बच्चों देखिए, इसे बना देते आपका, और उसको बना सकते थे I और I तो इस क्लोरीन की और इस क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी वो बराबर होगी, और यदि बराबर होगी तो इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता होगी वो बच्चों क्या है, बराबर है, और इसलिए जो इसका डाइपोल मोमेंट होगा वो जीरो होगा, इसलिए इसे हम क्या कहें, अध्रुवी कहेंगे। तो बच्चों एक बात निकल के आई, ये क्या होते हैं, अध्रुवी होते हैं, और अध्रुवी होने के कारण बच्चों ये आपका एक मॉलिक्यूल है आपका Cl2, और अगला मॉलिक्यूल हमने बना दिया आपका Cl2। तो इनके बीच बच्चों एक अट्रैक्शन फोर्स होगा बच्चों,
दुर्बल वांडरवाल्स बल होता है, जिसे लंदन बल बोलते हैं और जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रक्षेपण बल बोलते हैं। तो इसे हम दुर्बल वांडरवाल्स बल या तो चुका लीजिए लंदन बल, या तो चुका लीजिए आप प्रक्षेपण बल, परिक्षेपण बल कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये बात निकल के आई क्या बच्चों, कि जो आपके अधूरी आणविक ठोस होंगे उनके जो अणु होंगे अधूरी होंगे, उनके अणुओं के बीच क्या लगेगा, दुर्बल वांडरवाल्स बल लगेगा। क्या बच्चों यहाँ पर आपकी मुक्त इलेक्ट्रॉन है, अगर आप देखेंगे बच्चों तो है, तो ये भी विद्युत क्या होंगे बच्चों, कुचालक होंगे। अब बच्चों ये बताइए कि अब इनके गलनांक और क्वथनांक बच्चों क्या होंगे, निम्न होंगे। क्यों, क्योंकि ये बल ही दुर्बल है। अब बल ही जब दुर्बल है तो इनके गलनांक, क्या होंगे बच्चों, गलनांक और क्वथनांक क्या होंगे बच्चों, निम्न होंगे। क्या बच्चों, निम्न। तीन बातें आई निकल के थी, पहली बात इनके अणु क्या होते हैं, अधूरी होते हैं, इनके बीच दुर्बल वांडरवाल्स बल लगता है, इनके गलनांक क्वथनांक निम्न होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। तो आज ये चीज़ लिख ले हम। तो अधूरी आणविक ठोस क्या बच्चों, इनके अवयवीकरण क्या होते हैं बच्चों, अधूरी अणु होते हैं, अधूरी अणु होते हैं। दूसरी पॉइंट बच्चों, इनके अवयवीकरणों के बीच दुर्बल वांडरवाल्स बल, जिसको बच्चों क्या कहते हैं, लंदन बल, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रक्षेपण बल लगता है। और थर्ड पॉइंट बच्चों क्या आपका, इनके गलनांक व क्वथनांक क्या होते बच्चों, निम्न होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके बीच जो बल लगता है बच्चों, दुर्बल वांडरवाल्स बल है। जैसे बच्चों C6H6, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो अंतर है बच्चों बहुत ही कम है, न के बराबर है बच्चों, बहुत ही कम है। और जैसे बच्चों I2, जैसे Cl2, ये सब बच्चों ठोस अवस्था की इसके बात कर रहे हैं हम आदि। तो ये बच्चों क्या रहा आपका, अधूरी आणविक ठोस रहा। अब बात करेंगे बच्चों ध्रुवी और हाइड्रोजन बंधित ठोस की। क्या बच्चों, ध्रुवी आणविक ठोस। अब वैसे जैसे आपने ध्रुवी पढ़ा, अध्रुवी पढ़ा, उसके अवयवीकरण क्या थे, अध्रुवी अणु थे। इसके अवयवीकरण क्या होंगे, ध्रुवी होंगे। क्या होंगे, ध्रुवी होंगे। जैसे बच्चों ये आपके अवयवीकरण क्या है, ध्रुवी है। मतलब बच्चों इसमें क्या द्विध्रुव बन रहा है आपका, क्या बन रहा आपका, द्विध्रुव बन रहा है। मतलब एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, एक प्लस होगा बच्चों तो क्या होगा आपका, माइनस होगा।
और यहाँ माइनस है प्लस होगा, अगला माइनस, इस प्रकार से बच्चों क्या बनेगा, द्विध्रुव बनेगा। और बच्चों आपका ये द्विध्रुव बना तो इसके बीच जो बल लगेगा इसे हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव, द्विध्रुव आकर्षण बल। क्या बच्चों, द्विध्रुव है, द्विध्रुव आकर्षण बल। क्या बच्चों अगर यही जो बल है बच्चों द्विध्रुव बना है, अगर इसको हम विद्युत धारा प्रवाहित करना चाहें तो क्या होगी, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि आपकी द्विध्रुव ये आपकी द्विध्रुव क्या बच्चों ब्रेक नहीं होंगे, और जब तक ये ब्रेक नहीं होंगे तब तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो एक बात ये समझ के आई। और अगला बच्चों इनके जो गलनांक क्वथनांक होते हैं अध्रुवी से बच्चों क्या होते, ज़्यादा होते हैं। तो मतलब एक तो इनके अव्ययीकरण द्विध्रुवी होंगे, क्या बच्चों अव्ययीकरण क्या ध्रुवी होंगे, और इनके अव्ययीकरणों के भी द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल लगेगा, और इनके गलनांक क्वथनांक क्या होंगे बच्चों, उच्च होंगे। गलनांक व क्वथनांक अध्रुवी से क्या होंगे बच्चों, अध्रुवी से उच्च होंगे। अध्रुवी से क्या होंगे बच्चों, उच्च होंगे। तो ये चीज लिखना है, फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिख रहे हैं आपको देखिए, ध्रुवी आणविक ठोस के, ध्रुवी आणविक ठोस के अब ये भी कर क्या होते हैं बच्चों, ध्रुवीय अणु होते हैं। दूसरा पॉइंट बच्चों, द्विध्रुव ध्रुवी आणविक ठोस के कणों के बीच द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल लगता है। क्या बच्चों, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल लगता है। और बच्चों अगला क्या है, अगला क्या है बच्चों, थर्ड पॉइंट, इनके गलनांक व क्वथनांक अध्रुवी से उच्च होते हैं। अब जैसे बच्चों SO2, जैसे बच्चों ये सब ठोस अवस्था की बात करें बच्चों, जब इनके ठोस अवस्था हम ला रहे हैं तो ठोस CO2 आदि। अब अगला क्या है बच्चों, हाइड्रोजन बंधित ठोस है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। हाइड्रोजन बंधित, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, तो ये क्या होता है बच्चों। अब देखिए हाइड्रोजन बंध बनता कहाँ पर है बच्चों, तो इसके लिए बच्चों याद रखिए फोन, अगर फ्लोरीन के सामने क्या आ जाए, हाइड्रोजन आ जाए, अगर ऑक्सीजन के सामने क्या आ जाए बच्चों, हाइड्रोजन आ जाए, अगर नाइट्रोजन सामने क्या आ जाए बच्चों, हाइड्रोजन आ जाए, तो आपका हाइड्रोजन बंध बनेगा। कौन सा बंध बनेगा, हाइड्रोजन बंध बनेगा। मतलब कहने का ये निकला कि इसके अव्ययीकरण क्या होते हैं बच्चों, हाइड्रोजन बंधित अणु होते हैं। तो क्या निकला बच्चों, फर्स्ट पॉइंट हाइड्रोजन बंधित
आणविक ठोस हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस के अवयवीकरण क्या दच हाइड्रोजन बंधित अणु होते हैं और दूसरा बच्चों इनके बीच कौन सा बंध पाया जाएगा बच्चों हाइड्रोजन यहाँ से कौन बंध है बच्चों फ्लोरीन के सामने हाइड्रोजन हाइड्रोजन बंध ऑक्सीजन के सामने हाइड्रोजन हाइड्रोजन बंध नाइट्रोजन के सामने हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन बंध मतलब इनके अवयवी कणों के बीच इनके अवयवी कणों के बीच क्या पाया जाता है बच्चों हाइड्रोजन बंध पाया जाता है इनके अवयवी कणों के बीच कौन सा बंध पाया जाता है बच्चों हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। अब बच्चों जैसे हमने आपका ले लिया जल देखिए यस टू तो ये क्या है बच्चों आपका यस टू है। अब इसके सामने बच्चों जब आपका ये इस प्रकार से है तो क्या ऑक्सीजन है हाँ तो इसके बीच बच्चों जो बंध पाया जाएगा ये कौन सा बंध है आपका हाइड्रोजन बंध है। जैसे बच्चों आपका हमने लिया NH3 NH3 में बच्चों जैसे यन है आपका ये एच है और एक एच ये है बच्चों और एक एच क्या है आपका ये अब यहाँ फिर यन है फिर एच यहाँ एक एच यहाँ और एक एच यहाँ क्या नाइट्रोजन के सामने कौन आ गया बच्चों हाइड्रोजन तो कौन सा बंध हाइड्रोजन बंध बच्चों तो जैसे बच्चों हम क्या लिख सकते हैं ठोस NH3 ठोस H2 etc तो ये रहा बच्चों हाइड्रोजन बंधित ठोस। तो ये बच्चों आपके क्रिस्टली ठोस के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में बच्चों यहाँ पर हमने पढ़ लिया और बच्चों उसके एग्जांपल्स क्या होंगे इसको भी बच्चों यहाँ पर हमने पढ़ लिया। अगर बच्चों आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में या तो बच्चों डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर दिया गया है उससे बच्चों आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं आपके डाउट का सोल्यूशन जरूर किया जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी आप वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बच्चों हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत।